संविधान सभा का गठन और काम के तरीके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1946 में में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लॉरेंस की अध्यक्षता एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में किया जाए यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया इसमें ग्यारह प्रांतों से दो सौ बयानबे प्रतिनिधि थे रजवाड़ों ने तिरानवे तथा दिल्ली अजमेर मारवाड़ कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के कुल तीन सौ नवासी सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बट जाएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया जैसे संघ संविधान समिति प्रांतीय संविधान समिति अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति झंडा समिति आदि फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे 17 मार्च 1947 को संविधान के मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए भेजी गई अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होती थी समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय विशे विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की विधानसभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सकें गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियाँ सुझाव व आलोचनाएँ आमंत्रित की गई